हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी हो रहे हैं सुबह के 12 और आज हम लोग जाने वाले हैं हमारे ग्रैंड विटारा को लेके इसका लाइट अपग्रेड कराने के लिए, और हम लोग इसका स्पीकर भी चेंज कराने वाले हैं रियर डोर का, दोनों का, क्योंकि जो पीछे में सोनी का कॉक्सियल लगा हुआ है उसको हम लोग चेंज करा के सोनी का ES स्पीकर लगवाएंगे, और हम लोग का जो आगे लगा है स्पीकर वो भी सोनी का ES, फिर आगे और पीछे दोनों तरफ सोनी का ES स्पीकर लग जाएगा और क्वालिटी साउंड का बहुत अच्छा आएगा। और फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले हैं लेके, और ये देखिए हम लोग का नंबर भी आ चुका है J05DK0023 और हम लोग का कार है, तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग मेहर इंटरप्राइजेस, वहीं से हम लोग अपना गाड़ी का काम करवाएंगे आज। अभी हम लोग आ चुके हैं कार में और हम लोग जाने वाले हैं मेहर इंटरप्राइजेस आज भी हम लोग अपना कार का काम कराने के लिए। अरे हम लोग का जो सोनी का स्पीकर है वो तो ES आगे रहेगा और पीछे भी ES लगवा देंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग आपको साउंड टेस्ट करा देते हैं। हम लोग का जो पीछे स्पीकर लगा है वो कॉक्सियल है, उसको हम लोग चेंज करवा के सोनी का ES डलवा लेंगे कॉम्पोनेंट। और अभी आपको साउंड टेस्ट करा देते हैं हम लोग जो पहले लगा था। आप लोग ने सुन लिया होगा हम लोग का जो सोनी के ES का कंपोनेंट है भी आगे और पीछे कॉक्सियल है उसका साउंड। और अभी हम लोग चलते हैं मेहर इंटरप्राइजेस, वहाँ चल के गाड़ी के हेडलाइट चेंज कराते हैं और पीछे भी सोनी के ES कंपोनेंट डलवा लेंगे कॉक्सियल को हटा के। अभी हम लोग आ चुके हैं मेहर इंटरप्राइजेस, तो चलिए चलते हैं फिर जाके वहाँ काम करवाते हैं अपना कार का। देखिए यहाँ कितना आज भीड़ है और हम लोग कार इधर है, और ये देखिए शॉप। अभी तो मैं कार में बैठा हुआ हूँ और वो देखिए शॉप, और हम लोग अपना रिवर्स कैमरा को भी शायद से चेंज करा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब रिवर्स कर रहे हैं कैमरा को तो डिस्प्ले में ना लाइनिंग आ रहा है, वो भी आपको दिखा दूंगा एक बार, और देखते क्या होता है कैमरा का चेंज होता है या फिर सॉफ्टवेयर से ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, और आज है सैटरडे और बहुत ही भीड़ दुकानों में, देखिए कितना सारा कार है, ये सब पूरा यही मेहर में आया है सब अपना काम करवाने के लिए, और हम लोग भी आए हैं, हम लोग अपना स्पीकर चेंज करवाएंगे, कैमरा के लिए देख रहे हैं और लाइट हम लोग चेंज कराएंगे। देखते हैं अभी क्या होता है, फिलहाल तो अभी बज रहे हैं 12, देखते क्या होता है। हम लोग जब घर से निकले थे तब 11:40 हो रहा था, मतलब 12 बजने वाला था। कि हम लोग का जो बैक कैमरा क्वालिटी, ये देखिए बीच में जो लाइनिंग आ रहा है, इसी के लिए हम लोग इसको चेंज करा सकते हैं, नहीं तो देखते क्या होता है। देखिए यहाँ पे लाइनिंग आ रहा है बीच में, इधर इधर देख सकते हो। तो अभी हम लोग का कार को जगह मिल चुका है और अभी थोड़ी देर में काम शुरू हो जाएगा, तो अभी हम लोग चलते हैं शॉप के अंदर और थोड़ा सा बाहर से भी आपको दिखा देता हूँ पहले तो शॉप के अंदर जाने से। ये देखिए यहाँ क्रेटा का काम हो रहा है और वेन्यू का मेहर इंटरप्राइजेस, तो चलिए चलते हैं अब अंदर हम लोग भी। तो अभी हम लोग का ये डोर पैड खुल चुका है और ये देखिए हम लोग कॉक्सियल है, ये कॉक्सियल हटेगा और यहाँ ES कंपोनेंट लगेगा सोनी का, ये भी सोनी का कॉक्सियल है। सो अभी ये वाले डोर का भी डोर पैड खुल चुका है, डोर कवर जो होता है, और ये देखिए यहाँ भी ES सीरीज का कॉक्सियल है वहाँ भी। अभी ये दोनों कॉक्सियल हटेगा, फिर हम लोग का जो ES सीरीज का कॉम्पोनेंट आता है वो लगेगा, और जो हम लोग सोनी का एम्पलीफायर है ये देखिए ड्राइवर सीट के नीचे रखा हुआ है एम्पलीफायर, तो अभी लगेगा थोड़ी देर में हम लोग का सोनी के ये स्पीकर, तो जब लगता है तो दिखाता हूँ आपको कैसे लग रहा। तो अभी हम लोग के लिए स्पीकर खुल चुका है, ये देखिए कॉक्सियल, ये हम लोग का ये हटेगा अब, यहाँ से हट चुका है वहाँ से भी हट रहा, देखिए हम लोग का कॉक्सियल इधर रखा गया है
ये जो क्रॉस ओवर है हम लोग आगे डोर में भी लगा है और वहाँ पे भी लग चुका है। और ये सोनी का ये इसके साथ आता है जो कंपोनेंट रहता है, क्योंकि वहाँ लग चुका है अभी हम लोग का स्पीकर सोनी का। हम लोग का जो ट्यूटर है वो लग रहा है, देखिए यहाँ पे लगेगा ट्यूटर। अभी गेट लग रहा है, स्पीकर भी लग चुका है, ट्यूटर, क्रॉसओवर सब कुछ लग चुका है और अभी गेट का फ्रेम लग रहा। अभी हम लोग का ये डोर पैड लग चुका है और ये कुछ ऐसा लग रहा है ट्यूटर, और ये इसके स्पीकर भी लग चुका है और अभी उस साइड वाला डोर में लग रहा, बाकी तो कुछ ऐसा लग रहा है ट्यूटर के साथ ये डोर। चलो अब इसको बंद करते हैं और उस तरफ जाके आपको दिखाते हैं कैसे काम हो रहा है। बस थोड़ी देर में अब स्पीकर लगने वाला है, तो स्पीकर जब लगता है दिखाता हूँ आपको। अभी 3:30 बजने वाले और हम लोग का स्पीकर टेस्ट कर रहे थे और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिला हम लोग को। ये देखिए पूरा इसका ट्यूटर और ये स्पीकर लग चुका है। और इस बार हम लोग ने कॉक्सेल हटा दिया जो ये सीरीज का था, इस बार हम लोग ने लगाया है ये सीरीज का कंपोनेंट जो कि आप लोग ने देख ही लिया होगा। तो अभी देखिए वहाँ बोनेट खुला हम लोग का हेडलाइट चेंज होने के लिए, तो चलिए चल के आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज होता है ग्रैंड विटारा का हेडलाइट। और इसका बोनेट खुल चुका है और वहाँ इसका हेडलाइट का कपलर, वो देखिए वो सेकेंड वाला कपलर का, वो सेकेंड वाला कपलर है हेडलाइट का। और वहाँ पे हम लोग का LED वाइट लाइट लग जाएगा और इसका नॉर्मल लाइट येलो है। अभी हम लोग का निकल रहा है लाइट, अब मैंने आपको सेकेंड कपलर बोल दिया, वो जो कपलर उसके भी नीचे है मैंने आपको सेकेंड बोला था। पर ये देखिए ये कंपनी का ओरिजिनल बल्ब है, तो अभी हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं। GT10 का 120 वाट का लग रहा है हम लोग का लाइट। और ये देखिए इसका बोनट का कवर, और अभी भैया के लाइट लगा रहे हैं। तो अभी हम लोग का कार में ये बल्ब लगा था, फिलिप्स का 55 वाट का बल्ब येलो वाला, और ये देखिए न्यू है। और हम लोग का GT10 नहीं लगा क्योंकि उसका फिटमेंट इससे साथ नहीं मैच हो रहा था। तो जो लाइट लगा वो है एक्स लाइट का 110 वाट का, 110 वाट का लाइट लगा हम लोग का कार में वाइट कलर का। तो उसको नाइट में आपको एक व्यू दे देंगे कि कैसा व्यू आ रहा है बल्ब से नया वाला हम लोग का। तो ये एक्स लाइट का बल्ब लगा हम लोग का ग्रैंड विटारा में 110 वाट का। अभी 4 बजने वाले हैं और हम लोग का सब काम हो चुका है कार में जो कराना था, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर के लिए। तो चलिए चलते हैं। सभी हम घर आ चुके हैं और अभी अंधेरा भी हो चुका है, तो चलिए आपको दिखाते हैं हम लोग का ग्रैंड विटारा का जो नया हेडलाइट सेटअप है उसकी रोशनी कैसे आ रहा है न्यू लाइट से हम लोग का। ये देखिए ये हम लोग कार है, तो आपको दिखाते हैं कैसे रोशनी आ रहा है। ये देखिए कुछ इतना आ रहा है, 110 वाट का हम लोग LED सेटअप किए हैं इसमें। और हम लोग का जो रिवर्स कैमरा है जो प्रॉब्लम था, जो ग्लिचेज आ रहा था डिस्प्ले में, वो ठीक नहीं हुआ फिलहाल, तो उसी से काम चला रहे, बाद में कभी ठीक करवाया जाएगा उसको। ये देखिए अभी दिखा देते हैं हम लोग का ग्लिचेज अभी भी है, देखिए हल्का हल्का ग्लिचेज जो आ रहा है ब्लैक ब्लैक, तो इसका कुछ बाद में प्रॉब्लम ठीक करवाएंगे ये जो ग्लिचेज आ रहा है। तो अभी हम लोग कार को करते घर के अंदर और फिर ये लेवल आपको एंड कर देते हैं। तो अभी हम लोग अपना कार को लेके आ चुके हैं घर, और ये देखिए बस्टर भी आ चुका है। और ये वाला व्लॉग के लिए यहीं तक, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग पे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, बाय बाय।